हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये वीडियो है जो सिर्फ एमपी जीके और इंडिया की जीके से पूछे गए क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अभी तक के शिफ्ट में, वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। एमपी जीके और इंडिया की जीके और करंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं या मुझे मिले हैं, उन सबको मैंने कंबाइन करके इस वीडियो पर डाल दिया है। तो जिससे जो सिर्फ एमपी जीके के बारे में देखना चाहते हैं, वो इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जीके से पूछे जा रहे हैं। तो जीके की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि पेपर में कैसा क्वेश्चन जीके से या इंडिया की जीके से पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन जो भी ऑल शिफ्ट में एमपी जीके या इंडिया की जीके से आए हैं, वो सारे ही इसमें हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जीके या करंट या इंडिया की जीके से आए हुए हैं। भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद कहाँ है? चंदेरी में है। भारत में ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है? बालाघाट की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है। किलों का रत्न किसे कहा जाता है? किलों का रत्न ग्वालियर को कहा जाता है। उमरिया में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जिलों में साक्षरता दर सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश के किस जिले में देखी गई है? सिंगरौली में देखी गई है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 3,50,000 पर 35,14,503 है। द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं? 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। खजुराहो मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। चंबल नदी में मध्य प्रदेश के अलावा कौन से राज्य से बहती है? तो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बहती है। अहिराई नदी मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? भारिया जनजाति से संबंधित है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो दूध घी दही था। वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर किसने केस दर्ज कराया था? नंद कुमार ने कराया था। संजय डुबरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सीधिया सिंगरौली में है। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। 2022 में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है जॉर्जिया की। और 1987 में कनाडा में किस प्रोटोकॉल का पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। सिंधु सभ्यता से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो सिंधु सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी आप जो है कंटिन्यू उसकी पढ़ाई करते रहिए, जिससे उसमें जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो अच्छे तरीके से बन जाएं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। स्वतंत्रता के समय भारत के RBI गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। भारत में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर आनंद वी नागेश्वर है केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार। माधव राव सिंधिया का जन्म किस सन में हुआ था? 10 मार्च 1945 को माधव राव सिंधिया का जन्म हुआ था। राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। राज्यपाल से संबंधित जो जो भी प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं। तो जो जो जनरल जनरल चीज़ें हैं राज्यपाल या प्रेसिडेंट के बारे में, उसको पढ़ के जाइए, उसके आर्टिकल्स को पढ़ के जाइए, तो वो डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की संबंधित प्रश्न पूछा गया है। मध्य प्रदेश का मोती महल किसे कहा जाता है? रामनगर किला है, मंडला किला है जो, उसे मध्य प्रदेश का मोती महल कहा जाता है। 2011 में मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? 931 है। डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री किस क्षेत्र में उनके योगदान से सम्मानित किया गया था? दवा और चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया था। इतिहास में पुष्यमित्र शुंग से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो नॉर्मल इंडिया की हिस्ट्री जो है वो पढ़िए, तो उसमें से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। चंद्रगुप्त ने कहाँ पर शासन किया था? तो चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर शासन किया था। मुगल सल्तनत के उत्तराधिकारी से लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। मुक्तगिरी में कितने मंदिर हैं? 52 मंदिर हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से भी प्रश्न पूछा गया है और नदियों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? तो वह अग्नि चट्टान का उदाहरण है। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो वह महू इंदौर में स्थित है। और कवक फंगी से भोजन कैसे करते हैं, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। कवक अपना भोजन पोषण जो है मृत एवं जीव घटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो ये जनरल साइंस का भी कुछ क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें कुछ MPG के क्वेश्चन थे, कुछ इंडिया की GK से भी क्वेश्चन थे, और मोस्ट ऑफ द MPG और इंडिया की GK से थे और जनरल साइंस से थे। तो होप यू आपको बेनिफिट देगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स से पूछे गए हैं। तो थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।